हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा पिछली वीडियो में हमने सॉल्यूशन के चैप्टर को स्टार्ट किया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 22 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो हम जल्दी जल्दी आपको चैप्टर वाइज अच्छे से कंटेंट देते रहें, ठीक है। तो इसी चेन में आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो पिछली वीडियो में बेटा आपका मोलरता रह गया था, है ना, मोलालिटी। तो आज इसको डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन तो हमने दे दी थी, उसमें न्यूमेरिकल रह गए थे, तो आज न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है। तो मैं मोलरता का एक बार बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। मोलालिटी इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। बेटा इसका फॉर्मूला होता है इज एम इज प्लस टू एन ओवर डब्ल्यू इन किलोग्राम, ठीक है जी। और यहां पर हम जानते हैं एन जो होता है वो ग्राम में भार अपॉन अणु भार, यानी वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। और जो डब्ल्यू होता है बेटा जी किलोग्राम में, अगर हमको डब्ल्यू किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो अगर, तो इसको हजार से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला को आप इसमें अगर पुट करते हैं, देखो ये एन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, और डब्ल्यू के जी की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर देंगे ये वाली, ठीक है जी। ये फॉर्मूला बन के आएगा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम। अब ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, तो हमने कल बताया था बट्टे के नीचे बटा और नीचे वाले को झट से ऊपर हटा, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के हम क्या कर देंगे, हजार को ऊपर भेज देंगे और डब्ल्यू आ जाएगा आपका ग्राम में। ये इसका परफेक्ट फॉर्मुलेशन तैयार हो गया, इस पर न्यूमेरिकल्स कराते हैं, ठीक। चलिए आप ध्यान में रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठो। आपसे मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो जो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे उन्हें नोट कर लीजिए, बाद में आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, उनको स्टडी करिएगा, ठीक है। और यही एक क्राइटेरिया होता है बेटा अच्छी केमिस्ट्री पढ़ने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का, कि आप जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, ठीक है। चलिए साहब, आज न्यूमेरिकल का तड़का लगाते हैं, बेहतरीन। चलिए न्यूमेरिकल बोलता हूं बेटा जी, एक 5.8 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोलकर सॉल्यूशन बनाया गया है, बिलियन बनाया गया है, तो इस बिलियन की मोलारिटी ज्ञात करो, मोलालिटी मोललता ज्ञात करो, ठीक है जी। क्या पूछ रहा है मोलर, एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं। इफ द 5.85 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा जी क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे गिवन डेटा GD। कल हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप इसको इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी लिंक हो पाएगी आपकी नॉलेज, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो लास्ट पार्ट है उसको जरूर देखें, ठीक है जी। तो GD में बेटा क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, W हो गया, वेट इन ग्राम 5.85 ग्राम, और पदार्थ कौन हो गया, नमक हो गया NaCl। बेटा इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। हाँ, आपका W हो गया 250 ग्राम और आपसे मोलालिटी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क। अब NaCl का मोलर मास कितना होता है, इस पर आप फोकस करिएगा बेटा जी। NaCl में Na का एक एटम है और Cl का भी एक एटम है, तो Na का जो एटमिक वेट होता है वो 23 होता है, 11 Na 23, Cl का जो होता है बेटा 17, है ना, 35.5।
एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक जो मास है वो 30.5 होता है, इनको ऐड कर दीजिएगा, इनको जोड़ दीजिएगा, 55. यही आएगा आपका, 58.5 आएगा बेटा जी, इनको जोड़ दीजिए। अब क्या है तो मॉलिकुलर मास लिख दो आप, 58.5। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, स्मॉल m इज इक्वल टू w ओवर m इन 2000 डिवाइड बाई w इन ग्राम। तो m की जगह m लिख दीजिए, w की जगह आप लिख देंगे 5.85 मोलर मास हो जाएगा 58.5। भैया जी 1000 ऊपर चलेंगे ही, और डब्ल्यू कितना ले लिया है, डब्ल्यू कितना ले लिया है 250। तो देखिएगा पॉइंट से पॉइंट मार कराओ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में रखना है, कभी भी आप न्यूमेरिकल करें, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हो, तो इससे ईज हो जाएगा, इससे सुगम हो जाएगा, आप दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर दिया करिए। तो यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1.20 बढ़ा लीजिएगा, ये पॉइंट हटा दीजिएगा, यहाँ एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ ये कर दीजिएगा। अब ये फ्रेश हो गया, 585 और 585 समान संख्या से समान संख्या एक बार कैंसिल होती है, सबको पता है। अब 0 से 0 ला दीजिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है जी। अब ऊपर कितना बचा, 10 बचा, नीचे कितना बचा, 25 बचा, तो m बराबर हो जाएगा 10/25। भाई फिर इसको छोटा करना चाहो फिर कर लो, 5 × 2 = 10 और 5×5 = 25। अब 2 में 5 का भाग दोगे, 2 में तो जाएगा नहीं 5 का, तो पॉइंट बढ़ा लो, 0 हो जाएगा, 5×4 = 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 मोल पर केजी। सो दिस इज द आंसर। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड आपसे पूछ सकता है, 2 मार्क्स का पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और न्यूमेरिकल लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक न्यूमेरिकल और लगाता हूं बेटा, यहां पर क्वेश्चन 2, आज का क्वेश्चन 2 है, 20% भार अनुसार, ये बात दिमाग में रखना है। देखो भार के अनुसार मैंने इसका मीनिंग है W/W, वेट बाई वेट परसेंटेज है भाई। भार के अनुसार का क्या मतलब है, जो घुल रहा है बिलय वो भी वेट के अनुसार लिया जा रहा है, और जो उसको घोल रहा है ना जो बिलायक है वो भी किसके अनुसार लिया जा रहा है, सॉल्यूशन जो है वो भी बाई वेट लिया जा रहा है। तो W/W का मतलब होता है भार अनुसार, यानी बाई वेट, तो वेट बाई वेट परसेंटेज है ये, दिख रहा है 20%, 20% भार अनुसार K2CO3 सॉल्यूशन यानी बिलियन की मोल लता, मोल लता बोले तो स्मॉल m ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 20% by weight K2CO3 solution, what will be the molality of this solution? अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, what will be the molality of 20% by weight K2CO3 solution? बेटा K2CO3 क्या होता है, एक साल्ट होता है बेटा जी, इट्स अ साल्ट, एक लवण है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर, इसको आपको ग्रैब करना है, सबसे ज्यादा ये आपको कष्ट दे सकती है ये बात, 20% भार अनुसार, भार अनुसार का मतलब है बाई वेट, वजन के अनुसार आपको लेने हैं पदार्थ, और 20% का मतलब है 100 में 20। भाई हम कहें 2% तो 100 पर 2, हम कहें 100% तो 100 पे 100, हम कहें 4% तो 100 में 4, हम कहें 50% तो 50, 100 पे 50 लेंगे, आधा लेंगे, तो 20% का मतलब है, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक लाइन, 20% K2CO3 सॉल्यूशन या बिलियन का जो मीनिंग है ना, बिलियन का अर्थ या मीनिंग या आशय यह है कि 20 ग्राम, भैया जी 20 ग्राम, 20 ग्राम, भाई ग्राम में लेंगे वजन है, 20 ग्राम K2CO3
100 ग्राम बिलियन में घुला है, बिलियन की बात चल रही है, बिलियन में घुला है, बट हमको बिलियन थोड़ी चाहिए मोलरता में, हमें तो विलय का भार चाहिए। कल वीडियो में हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा था कि विलय का भार प्लस विलय का भार बराबर बिलियन का भार। अब हमें बिलियन का पता लग गया और विलय का लग गया, एक्स पता लग गया और जेड पता लग गया, तो भाई लग सकता है। कल बेटा एक फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, आप उसे जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। प्लस वाई बराबर जेड, तो एक्स यहां पर विलय का भार है, वाई यहां विलय का भार है, जेड किसका है? बिलियन का। ये दे रखा है 20 ग्राम प्लस वाई हमें चाहिए, जेड दे रखा है 100 ग्राम। सब जानते हैं भैया जी, ये निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, हजार में से आप 20 घटा दीजिए तो आपको वाई मिल जाएगा 80 ग्राम। तो भाई कितना मिल गया? 80 ग्राम हो गया। भाई बोले तो विलायक पानी, विलायक का भार। भाई बोले तो कौन? विलायक का भार, पानी का भार, पानी। चलिए इधर देखिएगा साइड से, अब हमें क्या क्या मिल गया। तो बेटा जी W मिल गया हमें 20 ग्राम। भाई 20 ग्राम कौन घोला है? K2CO3। ये विलय तो हो गया विलय, और विलायक का भार बड़ा W कितना हो गया? 80 ग्राम। और भैया जी इसका मोलर मास आपको निकालना ही पड़ेगा, तो K2CO3 का मोलर मास ये कह सकते हैं अणु भार। कैसे निकालेंगे? के एक एटम होता है 39, परमाणु भार दो एटम का मल्टीप्लाई कर दो, C12 होता है 16 3 48, 16 होता है ऑक्सीजन का तो 48 हो जाएगा, तो 2 निम्न 18 हाथ से ले 2 3 6 78 प्लस 12 प्लस 48, तो जोड़िए 8 और 10 और 8 18 हासिल 1 4 और 1 5 और 7 12 और 1 13। भाई साहब 138 बैठना है, तो जो मोलर मास है उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं 138। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला लगेगा? एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम इंटू 1000 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड कीजिएगा? डब्ल्यू ग्राम से, ठीक है जी। W बेटा 20 है, M 138 है इंटू 1000, और W क्या लेंगे यहां पर? 80 ग्राम। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। चेक कर लो यार, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से 1000 250 बार कट गया, तो ओवरऑल ये आया। इधर लिख रहा हूं मैं, इधर आपको दिख रहा होगा, तो M आ जाएगा 250/138, इसे भाग दे लीजिएगा तो एम आपका ग्राम में आ जाएगा, हाँ मोल पर केजी में, मोल पर केजी। 13 दूना 26, 1.8 कुछ आ जाएगा, 1.81 देख लेना, ठीक है, 1.81 के कुछ नियर अबाउट आएगा आंसर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा टॉपिक है अगला टॉपिक है मोल प्रभाव, क्योंकि मैं कल मोलरता को नॉर्मलता को अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आज मैंने मोलरता को आपको डिफाइन कर दिया और इसका 2 न्यूमेरिकल भी करा दिए, ये दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड में आने लायक है। ये तो अभी जो सेकंड न्यूमेरिकल कराए तो कई बार बोर्ड ने पूछा है भाई, पिछले साल भी बोर्ड ने पूछा है, तो ये सवाल अक्सर आते रहते हैं बेटा जी। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रभाज या अंश कह दो, अंश माने हिस्सा, मोल प्रभाज कहो, मोल अंश कहो, मोल हिस्सा कहो, मोल भिन्नांक कहो, बहुत सारे नाम है भैया जी, बहुत सारे नाम है। तो मोल प्रभाज होता क्या है आप ये जानिएगा, है ना। देखो बिलियन के दो घटक होते हैं, सबको पता है, कल भी मैंने आपसे बात की थी, बिलियन बोले तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, घटक माने कंपोनेंट, इसके अवयव, इसके प्रभाज, इसके अंश। पहला होता है बेटा जी विलेय, इसे सॉल्यूट कहते हैं। दूसरा होता है विलायक, इसे सॉल्वेंट कहते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, तो दो इसके फ्रैक्शन होते हैं।
अब इनके मोल प्रभाज, इसका मोल प्रभाज का मीनिंग क्या है ये जानो। मोल प्रभाज का पहले मीनिंग समझ लो बेटा जी, होता क्या है इसका रियल मीनिंग क्या है। मान लीजिए आपने एक शरबत बनाया है, अब वो शरबत नमकीन भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। यदि पानी में आप चीनी घोल रहे हैं, शुगर घोल रहे हैं, तो ये जो शुगर आप जो शरबत बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो घोल बनेगा, तो वो पता है कौन बनेगा, मीठा विलयन शरबत। और अगर आपने पानी में नमक घोल दिया या कोई और साल्ट घोल दिया तो वो नमकीन बनेगा, नमकीन विलयन, दोनों ही विलयन है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम हुई, वेट के अनुसार नहीं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, इनके मोल के रूप में, तो मोल हिस्सेदारी। अब उस बिलियन में चीनी की कितने मोल के रूप में हिस्सेदारी है, पानी की मोल के रूप में कितनी हिस्सेदारी है, उन दोनों की, चीनी की मीठे बिलियन में चीनी के कितने मोल घुले हैं, पानी के कितने मोल घुले हैं, इन दोनों को डिटरमाइन करना, इन दोनों को एक्सप्रेस करना है ना, क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, मोल प्रभाज। चीनी का मोल प्रभाज क्या होगा, अलग आएगा, पानी का अलग आएगा। ऐसे ही नमकीन बिलियन में नमक का मोल प्रभाज, नमक की हिस्सेदारी, नमक का उसमें कितने मोल घुले हैं और जल के कितने मोल घुले हैं। ठीक है, तो बिलियन के किसी भी मोल उसका प्रभाज का, बिलियन के किसी भी अंश का, या बिलियन के किसी भी अवयव का, या बिलियन के किसी कॉम्पोनेंट का जो मोल प्रभाज होता है, वो उस बिलियन के उस पर्टिकुलर अवयव के मोल अपॉन टोटल मोल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी आपको डिफाइन करता हूं बेटा। मोल प्रभाज का मतलब है मोल के रूप में हिस्सेदारी, किसमें, बिलियन में, जितने भी उसके प्रभाज है ना। जनरली द्विअंगी बिलियन होते हैं तो दो ही प्रभाज होते हैं, त्रिअंगी भी हो सकते हैं, बहुअंगी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ द स्टडी मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी बिलियन को ही कंसिडर करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। चेक करिएगा आप लोग, देखो मैं लिखता हूं यहां थोड़ा सांकेतिक भाषा में लिखता हूं, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। काई बोलते हैं, वैसे तो मोल प्रभाज को काई बोलते हैं, लेकिन आप एक्स मान लीजिए, कोई खास बात नहीं है, आप कोई भी चीज मान सकते हैं, काई होती है, काई मत पढ़ो, इसे एक्स पढ़ लो बेटा जी, एक्स। तो आप वन मान लो, या तो वन मान लो, या टू मान लो, या ए मान लो, या बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी का नाम मान लो, पापा का नाम मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हाँ वो तो आप कंसीडर क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्स ए बराबर होगा एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ये सूत्र उन्हीं के लिए है बेटा जो द्विअंगी हो। मान लीजिए कंटेनर है, आई हैव अ कंटेनर, अब इसमें दो पदार्थ हैं, ठीक है जी, एक है ए पदार्थ, एक है बी पदार्थ। ठीक है जी, तो इसमें बेटा क्या डाल रहा है, और ये टोटल कौन है, सॉल्यूशन बन गया। ए और बी की जो मोहब्बत है वो कौन है, सॉल्यूशन। तो इधर ए पार्ट है, इधर बी है, तो अगर मोल है इनके तो एन ए हो जाएंगे, मोल है तो एन बी हो जाएगा इसका, अगर वजन है तो डब्ल्यू ए हो जाएगा, इधर डब्ल्यू बी हो जाएगा, इधर प्रभाज है तो एक्स ए हो जाएगा, इधर प्रभाज है तो एक्स बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ए पदार्थ के मोल एन ए, ए पदार्थ का वजन डब्ल्यू ए, ए पदार्थ का मोल प्रभाज एक्स ए। इसी प्रकार बी पदार्थ का जो मोल है वो एन बी, बी पदार्थ का जो वजन है वो डब्ल्यू बी, बी पदार्थ का जो मोल प्रभाज है मेरे बच्चों वो एक्स बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो, अब होता क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमें मोल चाहिए। ठीक है, अब मोल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ओवर एम। अब यही थोड़ा सा ध्यान लगाना है हर बालक बालिका को, यहीं पर बेटा जी आपको ध्यान देना है। मैं एक बार पुनः लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, दो बार लिख दे रहा हूं, आप खुद से फील करेंगे कि क्या इधर साइड में है लेफ्ट में। ठीक है जी, तो एन ए चाहिए मुझे, ए के लिए चाहिए मोल बेटा, और ये चाहिए बी के लिए मोल, बी के लिए ये चाहिए, तो एन ए लिख सकता हूं मैं। तो एन ए के लिए डब्ल्यू ए तो चाहिए, और यहाँ एम ए चाहिए, मीन्स मोल एन के मोल चाहिए, तो ए का ग्राम में वजन और ए का ही अणुभार, वेट इन ग्राम ऑफ ए डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए। जस्ट इन सिमिलर फैशन, जस्ट इन सिमिलर वे, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी।
कुछ भी नहीं है भैया जी, मोल निकालने का सामान सूत्र होता था। सामान सूत्र क्या होता था? एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, घातांक का डब्ल्यू अपॉन एम। अब ए के लिए चाहिए तो ए ए वाले टर्म हो जाएंगे, बी चाहिए तो बी वाले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हमने क्या लिख दिया, अब इधर इनकी हेल्प से हम एन ए निकाल देंगे और एन बी भी निकाल देंगे। अब यहां पर मोल प्रभाज क्या दिया मैंने, एक्स का मोल प्रभाज ये हो गया, इसी प्रकार बी का भी निकाल सकता हूं मैं। तो क्या लिखेंगे ऊपर, एन बी अपॉन टोटल मोल्स भी लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी का मतलब है टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब है इस ए के भी मोल प्रभाज, इस ए के भी मोल और बी के भी मोल, माने दोनों के भाई, दोनों माने पूरा सॉल्यूशन के मोल कह सकते हैं। सॉल्यूशन में दो पार्ट हो गए, बिले और बिलाई, यानी एन ए प्लस एन बी। तो अब यहां ध्यान देंगे, मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन के दो फ्रैक्शन होते हैं ए और बी, तो ये ए का मोल प्रभाज निकाल रहा हूं मैं, तो ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए ए के ही मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, टोटल माने बिले और बिलायक के, ये दोनों के, ठीक है। अलग से भी निकाल सकते हैं आप, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, यहां आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स ही तो लिख रहा हूं मैं, एन ए प्लस एन बी तो लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ एक्स का मोल प्रभाज निकाला तो एक्स के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, बी का मोल प्रभाज निकाला बी का, तो मैंने बी के मोल ऊपर रखे और टोटल मोल नीचे। तो हम कह सकते हैं जिस किसी पदार्थ का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसी के मोल ऊपर और टोटल बिलियन में जो भी प्रभाज है उनके मोल का टोटल करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, रेशियो होता है, क्या होता है, अनुपात है बेटा, ओके। चलो मैं आगे इसको और बढ़ाता हूं, इन फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रॉड करता हूं, है ना। हाँ जी, चलो प्यारे बच्चों, अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट मोल दिए हैं तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर ही देंगे, दोनों अप्लाई कर देंगे, इजी है, कुछ नहीं इसमें, बच्चों का सवाल है। लेकिन भाई थोड़ा सा टिपिकल तब हो जाता है जब आपको मोल ना दिए हो और ग्राम में वजन दिए हो, तो आपको पता है क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है भाई, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, है ना। तो एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप, खुद फील करिएगा, डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस, इसी प्रकार एन बी बराबर डब्ल्यू बी ओवर एम बी, जिसका निकालना है मोल उसी का करते हैं। अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये फॉर्मूला पता है कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। तो एन ए की जगह क्या हो जाएगा बेटा जी, डब्ल्यू ए ओवर एम ए, ये हो गया इसकी जगह, एन ए की जगह ये हो गया, यहां से देखो। अब क्या होगा, एन ए की जगह फिर उठा लो तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये परफेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका, अगर डब्ल्यू दिया हो तब के लिए, मोल दिए हो डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर मोल ना दिए हो तो मोल बना लो, ये दी होगी वैल्यू एम, और मतलब मॉलिक्यूलर मास तो आप फॉर्मूला किससे लगा, फॉर्मूले से ज्ञात कर लोगे पदार्थ के। इसी प्रकार बेटा जी यहां आ जाओ, एक्स बी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एम बी की जगह ये वैल्यू उठा लो, कौन हो जाएगा, डब्ल्यू बी ओवर एम बी, डिवाइड कर दो भैया जी एन ए की जगह, फिर वही डब्ल्यू ए ओवर एम ए और प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये दो फॉर्मूले आपके फिर तैयार हो गए, फॉर्मूला एक, फॉर्मूला दो, फॉर्मूला तीन, फॉर्मूला चार। यानी एक और दो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके पास डायरेक्टली मोल दिए हो न्यूमेरिकल में, अदरवाइज आपको अगर वेट दिए हैं तो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला थ्री और फोर अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है जी। यहां तक का सफर बताइए कैसा लगा, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। चलो मोमेंट्स करिएगा भाई, आप वीडियो देखते हैं, मेरा डेडिकेशन आपको कैसा लगता है, मेरी मेहनत आपको कैसी है, अगर गड़बड़ लग रही है तो गड़बड़ ही लिखो, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखो, आप क्लैरिटी के साथ कमेंट्स करिएगा, आपके कमेंट्स को हम फॉलो करेंगे, अगर कोई कमी रहती है तो आगे उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। हाँ कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज,
तो विजिबिलिटी में या कोई कंटेंट में कोई कमी है तो भी लिखिएगा, कोई चीज समझ नहीं आ रही है या आपको कोई टॉपिक विशेष है तो उस टॉपिक को कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उस पर डायरेक्टली वीडियो बनाने वाला हूं। जो भी आपको क्वेरीज हैं, क्वेरीज आप खोलिएगा कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। चलो अब क्या होता है बेटा, वी नो वेरी वेल, क्या हम क्या जानते हैं साहब, वी नो वेरी वेल, ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या जानते हैं हम बेटा जी, एक्स ए प्लस एक्स बी का जो टोटल होता है ना वो वन होता है, यूनिटी होता है, ये बात ध्यान रखना। किसी भी बिलियन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा उसमें जो अवयव है उनका टोटल जो होगा ना एक्स ए और एक्स बी का वन होता है, यूनिटी, ठीक है जी। मैं सिद्ध भी कर दूंगा, आप कहोगे प्रूव कर दो तो सिद्ध भी कर दूंगा। अब अगर मुझे एक्स ए चाहिए तो वन माइनस एक्स बी कर दूंगा बाबू, सबस्ट्रैक्ट कर दूंगा। मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस में है उधर जब ट्रांसफर होगी साइड में दूसरी में तो माइनस में हो जाएगी तो घट जाएगी एक में से। या एक्स बी अगर मुझे चाहिए तो मैं वन माइनस से क्या कर दूंगा, एक्स ए कर दूंगा। ये तो बच्चों वाली बात है, आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अब आप कहेंगे प्रूफ करके दिखाओ, मैं एल एच एस बराबर आर एच एस, तो जरा ध्यान दीजिएगा है, अभी क्लियर करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा भाई, बार बार मैं आपसे कहता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठो बेटा, जो भी आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं उनको नोट करिएगा। अगर वाकई में केमिस्ट्री सीखनी है भैया जी और आपको एंटरटेन करना है तो कोई नहीं, अगर अच्छे से ग्रैब करना है, अपने आपको उठाना है, आपको अपने आपको बिल्डअप करना है केमिस्ट्री के फील्ड में, तो प्लीज मेक श्योर आप पेन और कॉपी लेकर बैठो, मेन मेन पॉइंट्स क्लियर करो, ठीक है जी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये बात प्रूव कर दीजिए कैसे हो गया एक्स ए एक्स बी। देखो तो एक्स एक बार लिख रहा हूं मैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन है, तो मुझे क्या लाना है, इन दोनों का टोटल बल लाना है। मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, कि मुझे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या लाना है, बल लाना है जी। तो बेटा जी ध्यान रखो, अभी एक्स ए की वैल्यू मैंने लिखी थी एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, पीछे देख सकते हैं आप, अभी बैक करके वीडियो देख सकते हैं, और एक्स बी की जगह क्या लिखा था, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, ठीक है जी, बराबर आ गया वन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ए की वैल्यू हमने लगा दी प्लस एक्स बी की। अब बेटा जी एलसीएम ले लो, चूंकि ये दोनों सेम है, ये एनआर है ये डीआर है, एनआर बोले तो नर्स, अब अच्छे से एनआर माने डोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो एनआर डीआर नर्स डॉक्टर, ओके जी। तो कंसिडर कर लीजिए एन ए प्लस एन बी ले सकते हैं आप, एन ए प्लस एन बी, नर्स ऊपर कंसिडर कर लो डॉक्टर नीचे कर लो भाई, तो यहाँ डॉक्टर डॉक्टर सेम है, तो एन ए एन प्लस मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। बेटा जी इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये सेम से सेम वन टाइम कटता है तो वन आंसर आएगा, तो वन का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो एन ए ही तो आएगा भाई, इसका भाग दिया एन ए प्लस एन बी का, एन ए प्लस एन बी भाग दिया, समान से समान कितनी बार जाता है, एक बार, जो भी आंसर आया उसको मल्टीपल कर दिया एन ए प्लस, इसका फिर इसमें भाग दीजिए समान जाएगा, उस एक का गुणा किसमें कर दीजिएगा एन बी में, तो एन बी आ जाएगा, बराबर क्या आएगा सर, वन आएगा, बराबर क्या आएगा सर, वन आएगा, ठीक है जी, बन ही आ रहा है, बन ही लिख रहा हूं मैं। अब बेटा जी एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो क्या गया समान से समान फिर कट गया, तो वन बराबर वन, भाई आप समझ गए होंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड का जो भी मटेरियल है वो राइट हैंड साइड के बराबर एकदम इक्वल आ रहा है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा जी। अब इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लगते हैं, ठीक है भैया, कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी काम चलने वाला है, अगर एंजॉय करोगे तो अपने आप को क्या कर रहे हो, डार्क में रख रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो, और रखे रहो भैया अंधेरे में, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल लगते हैं, 36 ग्राम जल यानी वाटर, वाटर जल 36 ग्राम जल है, पानी है, तथा 46 ग्राम
इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल लिख दे रहा हूं, एथेनॉल हिंदी में लिख दे रहा हूं भाई। 36 ग्राम मेरे पास पानी है तथा 46 ग्राम एथेनॉल है, C2H5OH शराब का अभी अब एथेनॉल है ना, है तो अब बिलियन बनेगा भाई। 36 ग्राम जल में आपने 40 ग्राम एथेनॉल घोल दिया तो बिलियन बनेगा, लिक्विड ही में बनेगा, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, जल यहाँ पर विलायक नहीं है, कम मात्रा है, ठीक है ये विलायक है, ठीक दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। तो इस सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन में, इस बिलियन में दोनों के, दोनों माने बोथ जल और एथेनॉल, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन एमएफ, शॉर्ट में एमएफ लिख सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज की गणना करो, की गणना करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है जी, ध्यान से सुनेंगे भैया जी। अब यहां मोल बनाने पड़ेंगे बेटा, अगर मान लीजिए आपकी माँ आपके लिए चपाती बना रही है, अगर उसने, आपने फोन कर दिया रास्ते में कि माँ मुझे भूख लगी है आप रोटी तैयार करो, तो माँ ने पहले से अगर आटा तैयार कर लिया, लुगदी तैयार कर ली, लोई, तो माँ एक ही स्टेप में सीधे रोटी सेक देगी आपके घर पर पहुंचने पर। अगर मान लीजिए आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी अपनी माँ को, तो वो दो स्टेप में रोटी तैयार करेगी, पहले आटा लेगी, आटा चूर पाउडर फॉर्म में होता है फ्लोर, देन उसको पानी के साथ मिक्सअप करेगी, एक स्टेप हो गया, फिर क्या करेगी माँ, उसकी गोल गोल लोई बना के रोटी या चपाती बनाएगी। तो कहने का अर्थ ये है, अगर डायरेक्टली मोल दिए हो तो आपको एक ही स्टेप में सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर मोल नहीं दिए हैं और ग्राम में भार दिए हैं, तो फर्स्टली आपको क्या बनाने पड़ेंगे, मोल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मोल्स बनाने पड़ेंगे, तब वो फॉर्मूला लगेगा। तो समझ में आ गया होगा मेरा कहना क्या मैं चाहता हूं। चलिए सॉल्यूशन आ गया इसका, ओके जी। तो बेटा एक तरफ लिख लो जल, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार आपको चीजें बता रहा हूं, इधर अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो एथेनॉल, इसे वन मान लो, इसे टू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे वन मान लो, इसे टू मान लो, इसे ए मान लो, इसे टू मान, बी मान लो, इसे मम्मी मान लो, इसे पापा मान लो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ जी, तो इधर सारे डेटा वन वाले लेंगे, तो सारे डेटा टू वाले लेंगे। तो देखिए जी, तो ये वजन हो गया, तो डब्लू वन लिख दो आप, इसे बन लेंगे चल के सारे डेटा 36 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बेटा जी क्या लिखेंगे, डब्लू टू 46 ग्राम, न्यूमेरिकल बोल रहा है मैं, थोड़ी बोल रहा हूँ, देखो 46 ग्राम एथेनॉल है, 36 ग्राम जल है। अब मॉलिक्यूलर मास चाहिएगा हमें, क्योंकि मोल तभी निकल पाएंगे जब आपको ग्राम में भार और अणु भार पता होंगे। निसंदेह एम वन कितना हो जाएगा, वन मोल है तो जल, एम वन 18 होता है बाबू, एच टू ओ, दो एकम दो प्लस 16, 16 और दो 18, ठीक है। अब यहाँ एम टू कितना हो जाएगा, एथेनॉल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, C2H5OH, तो देख लो C2H5OH को हम बाबू C2H6O भी लिख सकते हैं, H5 और 1 6 बिल्कुल सही है। अब देखो 12 दूना 24 प्लस 6 कम 6 प्लस 16, भाई साहब इनको जोड़ोगे तो 46 बैठेगा, ये आप जोड़ के देख लीजिएगा 46 बाबू अड़भार हो गया, 46 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे मिटाते हैं, तो ध्यान से सुनिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप मोल बना लीजिए, समझ गए ना, मोल बनते ही आप ढोल बजा देंगे। हाँ जी, तो मोल बना दो, यहाँ भी मोल बना दो, तो मोल कैसे बनाओगे, एन वन बन ही लेंगे, एन वन बराबर होता है डब्ल्यू वन ओवर एन वन, बाबू यहाँ 36/18 वैल्यू रख दो, 18 × 36, भाई साहब 2 मोल बन गए, भाई साहब कितने मोल बन गए, 2 मोल, ठीक है जी। यहाँ एन टू लगा दो बेटा जी, कितना हो जाएगा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, यहाँ भी 46 है और यहाँ भी 46 है, काट दो एक बार, तो एन टू कितना बन गया, 1 बन गया। अब आप लगा दो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगा दो, इधर देखो तो एक्स ए बराबर एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है जी, एन ए आप कितना निकाल चुके हैं, 2 लिख दो, 2 डिवाइड कर दो एन ए, फिर एक बार लिख दो, 2 प्लस एन बी कितना निकाल लेंगे, 1,
कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, दो ऊपर है तीन नीचे है, तो दो तिहाई, तो दो तिहाई उस पूरे बिलियन में इन दोनों के मिक्सचर में दो तिहाई हिस्सेदारी मोल के रूप में किसकी रही, पानी की। ये टू थर्ड है, टू थर्ड। अगर आपके गुरु जी हमें परसेंटेज चाहिए तो प्यारे बच्चों 100 का गुणा कर दो, तो 200/3 तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 66.66 आंसर आ जाएगा आई थिंक, है ना। हाँ, परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं, भिन्न के रूप में लाए तो 2/3 हो गया, 2/3 हिस्सेदारी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 2/3 2/3, तो परसेंटेज निकालो 2/3 में 100 का गुणा कर देते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, तो ये आ गया 2/3 आ गया, 2 6 3 6 18, फिर 3 6 18 ऐसे आगे चलता जाएगा तो ये हिस्सेदारी होगी। अब H2 निकाल लो, अब निकाल लो इसका हल्को हल्की मोलर, हल्को हल्का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहा है, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, ऐसे ही मैं कर दे रहा हूँ सीधे, तो एन बी आएगा ऊपर, चलो लिख दे रहा हूँ एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। भैया जी एन बी की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे, एन बी बना रहा भाई, अपॉन एन ए की जगह क्या रखेंगे, 2+1, भैया जी 1/3 हिस्सेदारी हो गई। अगर आपके भिन्न मुझे परसेंटेज चाहिए तो 1/3 में 100 का गुणा कर दीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 कुछ और नहीं बाबू 33.33 होता है। ओके जी, अब ध्यान से सुनना, एक आंसर तो जो आ गया, एक आंसर जो आ गया। अब यहां आ जाइए आप, अब उन्हें जोड़िएगा, भिन्न के अनुसार जोड़िएगा 2/3 और 1/3। अब उत्तर की जांच कर रहा हूं बाबू जी, मैं उत्तर की जांच है ना, वेरिफिकेशन कर रहा हूं आपके आंसर का, वेरिफिकेशन, उत्तर की जांच, क्या उत्तर की जांच होगी, तो मैंने अभी बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न में एक होगा, अगर परसेंटेज में देखते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हो जाएगा भाई साहब 100। सोच के देखो यार, इसमें 100 का गुणा नहीं कर सकते क्या, परसेंटेज होगी 100 हो जाएगा सीधे, ठीक है जी। हाँ, अब इस पे आ जाओ, तो एक्स ए कितना आया था 2/3 प्लस एक्स बी कितना आया था 1/3, जोड़ दीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 नीचे है तो सीधे सीधे आप जानते होंगे, अगर हर समान है, डॉक्टर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो भिन्न में उनकी जो ऊपर की अंश होते हैं उनको जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 3/3, और भाई साहब 3/3 का अर्थ कितना आएगा 1, और 1 ही आ रहा है, देख लो मैच कर लो। अब आ जाओ यहाँ परसेंटेज वाले में, टैक्स से कितना आया था 66.66 प्लस 33.33, अब दुनिया जानती है यार 66.33 कितना होगा 99.99, 99.99 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 100, और भाई साहब 100 ही तो आ रहा है परसेंटेज में, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके है, चलिए कमेंट्स लिखिएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स लिखिएगा, समझ आ रहा है कमेंट्स लिखिएगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताइएगा, ठीक है जी। हाँ, एक ही पक्ष नहीं गए, अच्छा अच्छा बताते हैं आप, गलत गलत आप ना बताएं, आप गलत ज्यादा बताइएगा, डीमेरिट ज्यादा मेरी काउंट कराइएगा एज कंपेयर्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा जी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, अब ईश्वर जानते हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अभागे हैं, आपके लिए मैं एग्जाम तक पूरा बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। हाँ जी, आज सॉल्यूशन के और भी न्यूमेरिकल अभी लेने वाला हूं, ये वीडियो थोड़ा सा आगे और बढ़ेगी क्योंकि बहुत कम समय है बोर्ड के लिए, मैं फिजिकल के पहले आपको क्लियर कर दूं, फिर ऑर्गेनिक कराऊंगा, फिर कराऊंगा मैं लास्ट में इनऑर्गेनिक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको लेते हैं 65 दाब पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, 65 दाब बहुत सरल है, बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, मैं यहां 65 दाब को डिफाइन नहीं करने वाला हूं, ये तो सिंपल सी चीज है, मैं इसके न्यूमेरिकल्स देने वाला हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बेटा, ओपी कहते हैं इसको, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं इसको पी से, ठीक है जी। हाँ, इसकी यूनिट जो होती है वो वायुमंडल होती है, ये बात याद रखिएगा, वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM.P. वायुमंडलीय दाब बोलते हैं ना इसको, वायुमंडल इसकी
वायुमंडल लिख देते, वायुमंडल यूनिट्स एटीएम एटमॉस्फेयर। बेटा जी एक फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एन एस टी। एक्चुअल में अगर गैस फॉर्म होती तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा गैस समीकरण, तो वहां पीवी बराबर एनआरटी होता था। आर ही एस है, एस ही आर है भैया जी, राम ही सीता है और सीता ही राम है, राम ही सीता है सीता ही राम है, एक ही बात है। आर को गैसेस के लिए लेते थे, एस को सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, जो वैल्यू आर की है 0.0821 वही वैल्यू एस की है, वही वैल्यू एस की है 0.0821। बेटा जी वन को लिखो मत लिखो, ये मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा कष्ट देती है, तो पॉइंट के तीन स्थान तक ले सकते हैं, 821 के बाद वन को लिख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इससे कैलकुलेशन काफी टिपिकल हो जाती है। चलो अब इसकी एक ट्रिक बताता हूं, बेहतरीन में आप ध्यान से सुनेंगे, इसकी एक ट्रिक बताता हूं बेटा जी। हाँ फिर एक बार और सुनो, एक फॉर्मूला और होता है बेटा, एन बराबर होता है डब्ल्यू अपन एम, बार बार बता रहा हूं ये तो कई बार बता चुका हूं, मोल निकालने के लिए ग्राम में भार अपन अड़ू भार। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो बेटा जी यहां पता है क्या आएगा, पीवी बराबर एन की जगह वैल्यू रख दो तो डब्ल्यू अपन एम एस टी हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होंगे, कुछ नहीं किया मैंने, इस एन की जगह वैल्यू रख दी बस यहां से उठा के। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए आप कहेंगे कि सर और फॉर्मूले संभव है, बिल्कुल संभव है भैया जी, आओ आगे आ जाओ बेटा जी। एन ओवर बी कर लो, बी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाए, पी के केस में लाओ पी बराबर एन ओवर बी एस टी। पहले बच्चों एन ऊपर है बी नीचे आ गई, और एन ओवर बी की जगह पता क्या लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, सी माने कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किस फॉर किस रूप में ली जाएगी, मोलर मोलरिटी के रूप में, मोलर था। तो आप पी बराबर एन एन ओवर बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, सी आर टी। एक फॉर्मूला ये भी हो गया बाबू, एक फॉर्मूला ये भी हो गया, बहुत सारे फॉर्मूले हुए, सिंस करके लिख सकते हैं एन ओवर वी बराबर सी। सी कौन है यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसकी फॉर्म में, मोलारिटी की फॉर्म में, मोलारिटी। ठीक है जी, बिल्कुल ये फॉर्मूला आप क्लियर कर लीजिए, फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल लगाता हूं और ट्रिक बताता हूं आपको बेहतरीन। बताइए भैया आगे बढ़े, ठीक है भाई, ये तीन नंबर का दो नंबर का सवाल है, बोर्ड में सीधे सीधे रखा मिलेगा और कुछ भी नहीं करना बाबू, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ऐसे छोटे छोटे सवाल कभी बोर्ड बहुत सारे बहुत हल्के सवाल पूछ लेता है, फिर भी बच्चे उसे छोड़ आते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ आते हैं, पढ़े नहीं होते हैं बेचारे। चलो ध्यान से सुनना बेटा, एक सवाल पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के साथ मैं ट्रिक आपको बता दूंगा साथ साथ, है ना। हाँ जी क्वेश्चन है 5% या 6% लेता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल में जो न्यूमरल्स हैं वो चेंज होते रहते, संख्या चेंज हो जाती है, फंडामेंटल नहीं चेंज होता, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल चेंज नहीं होता, क्वेश्चन चेंज होते हैं, सड़क चेंज नहीं होती, चलने वाले बदलते हैं, सड़क वही रहती है, कोई भी रोड हो वही रहेगा, कभी उस पर ट्रक दौड़ाइए, कभी बाइक दौड़ाइए, कभी इंसान दौड़ रहा है ना। हाँ रोड नहीं बदलता, रोड पर चलने वाले पेडेस्ट्रियंस बदलते हैं, यात्रीगण बदलते हैं। चलो 6% है ना, यूरिया बिलियन, यूरिया बिलियन, बिलियन बोले तो सॉल्यूशन का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो पी ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है जी, जब बिलियन का जो ताप है ना, बिलियन का ताप, ऐसा लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है, सार वही है, बिलियन का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब, 27 डिग्री सेल्सियस है, और ब्रैकेट में आर की या एस की वैल्यू भी दे सकता है आपको 0.0821। ठीक है जी, हाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिट तो आप निकाल सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, फॉर्मूले से यूनिट निकाल दो। ठीक है चलो अब देखिए साहब, ट्रिक भी देता हूं आपको, पहले तो मैं ऐसे ही कराता हूं आपको, ठीक है
फिर ट्रिक बताऊंगा मैं लास्ट में, आपको सरल पड़ेगी। इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये बता दो। यहाँ कुछ भी नहीं दिया, ना तो भारान साथ दिया, ध्यान देना बाबू, यहाँ भारान साथ दिया है नहीं दिया, आयतन अनुसार दिया है नहीं दिया। तो जब भी भारान साथ ना दे, आयतन अनुसार ना दे, भाई वेट बाई वेट परसेंटेज ना दे, वी ओवर वी परसेंटेज ना दे, तो आपको पता है क्या समझना है, तब आपको डब्ल्यू ओवर वी समझना है अपनी बुद्धि लगा के, ये ध्यान में रखना। यानी जो घुल रहा है बिले वो ग्राम में लिया जाएगा, और जो घोल रहा है उसको वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, सॉल्यूशन वॉल्यूम के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यदि स्पेसिफाई कर रहा है डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू, तब तो कोई बात ही नहीं है, जो घुल रहा है वो भी ग्राम में, जो घोल रहा है वो भी ग्राम में। या स्पेसिफाई कर रहा है आयतन के साथ, तो जो घुल रहा है वो भी आयतन के रूप में, जो घोल रहा है उसको बिलियन आयतन के रूप में। बट कुछ भी ना दे, परसेंटेज दे के कुछ भी ना दे, तो भाई साहब ये समझना है, बस अपनी खोपड़ी में ये बात सेट कर लीजिए। चलो ओके है, चलिए जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ध्यान में सुनो भैया, ये न्यूमेरिकल सीधे सीधे चिपके मिलेंगे पेपर में, आपको कुछ भी नहीं करना। अब 6% का क्या मतलब है, तो W हो गया आपका 6 ग्राम, ठीक है जी भाई, 100 पे 6 है, लेकिन B कितना हो गया 100 ml। बस यहाँ आपको ध्यान देना है, मैंने अभी बताया था 6% का मतलब है W ओवर B, जब कुछ भी ना दिया हो, कुछ स्पेशल ना दिया हो कि बार अनुसार के आयतन अनुसार, ठीक है। हाँ जी, तो W हो गया 6 ग्राम और V हो गया 100, तो 100 ml में 6 ग्राम बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के देखो, हम इसे लीटर में बनाएं तो 1000 का भाग देंगे, देंगे ना, बिल्कुल देंगे, यही दे दे रहा हूं। मुझे ml में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लीटर में। भी ml में नहीं चाहिए भैया जी, स्टैंडर्ड लीटर में चाहिए। तो खुद से फील करो यार, 100/1000 का मतलब क्या हो गया, 1 घटा दो 0, क्या फर्क पड़ता है, तो 1/10 हो गया, 1/10 लीटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, या 0.1 लीटर हो गया भैया जी 0.1 हो गया, 6 ग्राम ही रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। अच्छा फॉर्मूला लगाता हूं, हाँ ताप दिया है, ताप भी तो दिया है, ये ताप डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो डिग्री सेल्सियस वाले ताप को ना केल्विन में बदलने के लिए ट्रिक बताता हूं। डिग्री सेल्सियस वाले ताप को छोटा टी मान लो, केल्विन वाले ताप को बड़ा टी मान सकते हैं। तो इससे इसमें बदलने के लिए बेटा 273 आप जोड़ देते हैं, ओके जे ओके है, छोटा टी माने डिग्री सेल्सियस, बड़ा टी माने केल्विन, इसमें 273 जोड़ दिया करो बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो यहां कर लो, टी ले लो बड़ा केल्विन में, तो 27 तो डिग्री सेल्सियस में, 273 चिपका दो उसमें, तो 7 और 3 10, 29 30, 300 केल्विन हो गया बेटा जी, 300 केल्विन हो गया ताप आपका, ठीक है सर। चलो कोई नहीं, एक तो डेटा ये लगेगा, एक डेटा ये लगेगा, एक डेटा ये लगेगा, ये वाला सूत्र भी बताया था, देखो PV बराबर W अपॉन M ST। अब हमें चाहिए क्या, P चाहिए, तो V इसमें गुणा में है, उसे भाग में ले जाओ, बस हो गया काम। देखो बेटा जी, P बराबर W कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 6। हाँ एक बात बताना भूल गया यार, यूरिया का जो अड़बार है वो 60 होता है, NH2CONH2, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, NH2CONH2 तो बोलते हैं, कार्बामाइड होता है यूरिया। अब इसे ऐसे लिख लो, N और N 2 बार है, N2 हो गया, H 2 और तो 4 बार है, 4 हो गया, C और O 1 बार है, तो यूं लिख सकते हैं। अब इसको देखो, 14 × 28, 4 × 4 कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16, टोटल करिएगा 60 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यूरिया का जो मोलिकुलर मास है ना वो 60 होता है, याद रखना, ऐसे ही एसिटिक एसिड का भी 60 होता है। चलो तो 60 से भाग दे दिया, एम की जगह कितना आ गया 60 आ गया, डब्ल्यू की जगह कितना आ गया 6 आ गया, एम भी लिख दे रहा हूं मैं, यही लिख दे रहा हूं, एम 60 आता है बेटा जी। एस कितना है, फिक्स है बेटा, ये फिक्स है, एस बोले तो फिक्स, फिक्स माने कॉन्स्टेंट, कैन नॉट बी चेंज, 0.082। बल लिखो, बल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टी कितना है 300 बेटा जी, 300 है टी, मैंने यहां से रख दिया,
और बेटा जी वी कितना उठाना है, 0.1। भैया जी आप कैलकुलेशन कर लो, 6 से 60 10 बार कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? ठीक है, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दी, यहां क्या बढ़ा दी, जीरो। पॉइंट से फिर पॉइंट कट गया, 300 हो गया। अब ध्यान से सुनना बाबू, दो जीरो पहले से ही बढ़ा लो ये वाली, अब 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24। अब पॉइंट देख लो, 3 0 का 0 0 0 लिखने से कोई मीनिंग नहीं है। पॉइंट देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2, ना 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 जीरो लिखना पड़ेगा, सॉरी, 3 0 का 0 3 0 का 0। अब गिन लो कितना हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 1 2 3, तो यहां आ जाएगा 24.6, 24.6 हो जाएगा, 24.6 24.6 हो जाएगा आपका वायुमंडल। आई थिंक देख लीजिएगा आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है ना, दो जीरो बढ़ा लेना मैंने भाई, 3 × 2 = 6 हो गया। एक बार पुनः देख लो, 3 × 8 = 24, 3 0, 2 0 पहले से ही है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यही तो आएगा पॉइंट, 24.6 आ जाएगा, देख लेना आप। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी ट्रिक बताता हूं आपको शॉर्ट में, तो इतना नहीं करना होगा आपका, ये सब ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल होगा। ओके चलो, तो क्या करना है हमें देखो, अब आप ट्रिक समझ लो मेरी, सब ड्रामा खत्म, ट्रिक समझ लो। देखो जो भी यहां पर परसेंटेज दी हो, उसे एक्स मान लो, एक्स परसेंटेज, भाई ध्यान देना, एक्स का मतलब है पॉइंट में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 0.25 हो सकती है, 0.12 हो सकती है, 2.5 कुछ भी हो सकती है भैया जी एक्स। अब एक्स को 10 टाइम्स कर दो, एक्स में 10 का गुणा कर देना आप, बस जो भी एक्स हो जाए परसेंटेज में उसमें क्या कर देना, 10 का गुणा। एक्स को क्या करना है आपको, 10 टाइम्स, एक्स को 10x लिखना है, 10x, 10 टाइम्स 10 का गुणा। और वी बाबूजी आपको 1 लीटर ही लिखना है, ये फिक्स कर दिया मैंने, फिक्स। आप कहेंगे कैसे फिक्स कर दिया गुरुजी, तो बाबूजी ध्यान दो, 100 पर थी यहाँ एक्स, 100 पर थी ना एक्स, 100 ml में घुल रही थी एक्स, तो हमने बिलियन को 100 से कितना कर दिया, 10 गुना। और अच्छे समझना चाहते हो तो लो और अच्छे समझो यार, वी 100 पर ही तो है बेटा जी, तो देखो x को 10 गुना करो, x में 10 का गुणा करो और 100 में भी 10 का गुणा करो, तो ये हो गया 10x और ये हो गया बेटा 1000 ml। और मेरे प्यारे बच्चों मैं पहले ही कह रहा हूं, 1000 ml माने 1 लीटर, बस मुझे इतना करना है। और b हमें लीटर में लेना, तो b डायरेक्टली 1 लीटर लिखना है आपको, रख लीजिए, फिक्स कर दिया मैंने फिक्स। और x कितना लिखना है आपको, 10x, काम खत्म हो गया बस, और बाकी का तो एग्जिट रहेगा ही, टेम्परेचर आपको वही लिखना है केल्विन में, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है बस। दोबारा समझाऊं या समझ गए बाबूजी, एक्स को 10 गुना करो, ऐसे समझो, नहीं आया समझ में तो यार, आप बैठे हैं, आपने 100 ml पानी लिया है, ध्यान से सुनना, 100 ml पानी है, 1 चम्मच आपने इसमें डाल दी चीनी मिठास के लिए, ओके है, कोई बात नहीं। अब आपको आपका मित्र आ गए, 9 मित्र और आ गए, ठीक है, या 10 आ गए, तो अब आपको ऐसे 10 बनाने हैं, तो 10 ml से कितना आ जाएगा, 10 × 1000 ml, तो 1000 ml में आपको कितनी चम्मच घोलनी पड़ेंगी, 10 × 2, तो 10 चम्मच घोलनी पड़ेंगी। तो अब तो समझ में आ गया, जो पदार्थ है उसको 10 गुना कर दो, और विलायक है उस, जो जो पानी है उसको भी 10 गुना कर दो, 100 पे था वो परसेंटेज वाला, 100 पे है, 100 में गुना x, सीधी बात है, 100 में गुना x, तो x को भी 10 गुना किया, 100 को भी 10 गुना किया, क्योंकि हमें लीटर में बनाना था, ओके है, समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो ऐसे समझ लो, 100 ml में x गुना है, 100 ml में कितना गुना है पदार्थ x, तो 1 ml में कितना गुलेगा, x/100, तो 1000 में कितना गुलेगा, x/100 × 1000, x/100 × 1000, यानी 10x, 10x हो गया, वही तो लिख रहा हूं मैं, और 1000 ml बोले तो 1 लीटर, बस इतना सा है, आप लीटर को फिक्स कर दो, वॉल्यूम कितना भी हो भैया जी, 100 पे लेते ना,
तो वो एक लीटर कर दो, और जो एक्स है परसेंटेज है एक्स मान लिया मैंने, उसको 10 टाइम्स कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। आई थिंक मैं आपको न्यूमेरिकल्स, इसके आधे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के खत्म कर चुका हूं लगभग। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए आप, और केमिस्ट्री का आनंद लेते रहिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि, और आप के लिए नया दिन शुभ हो आने वाला। थैंक यू।